नमस्कार, न्यूज लाइव mpcz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा और मंत्री तरुण भनोट एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जमकर तारीफ की। छिंदवाड़ा में आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं जबलपुर के लोकसभा प्रत्याशी विवेक तन्खा एवं प्रदेश वित्त मंत्री तरुण भनोट एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने संवाददाता महेश चांडक से चर्चा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जमकर तारीफ की। तन्खा ने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने गंभीर चिंतन करके बनाया है। मैनिफेस्टो का हर पॉइंट देश की जनता को टच करता है। मैनिफेस्टो बहुत गंभीर चिंतन के बाद बनाया गया। इस कमेटी में चिदम्बरम साहब थे, चेयरमैन थे, मनमोहन सिंह जी थे और बहुत ऐसे विचारक थे जो देश के बारे में इस पर चिंतन कर रहे हैं। पूरे देश में इस मैनिफेस्टो को लेकर कंसल्टेशन किए हुए थे और जो चीज़ मैनिफेस्टो के साथ उभरी है, नाम पर उभरी है, वो एक अत्यंत ही पब्लिक ओरिएंटेड प्रोग्राम सामने आया है। मैनिफेस्टो का हर पॉइंट इस देश की जनता को टच करता है। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने जीएसटी के मामले में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने जीएसटी को हड़बड़ी में लागू किया है और इससे देश सहित प्रदेश के सभी व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। भनोट का कहना है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जीएसटी पार्ट टू लाया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी ने शुरू से कहा, राहुल गांधी जी ने, जीएसटी को हड़बड़ाहट में लागू किया गया, गलत तरीके से लागू किया गया और बजाय लाभ के हमारे व्यापारी भाइयों को मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान है। रीवा में एक बड़ी आपराधिक घटना हो गई है। बीजेपी नेता ज्ञान सिंह की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी है। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और उसका एक और नमूना सामने आया है। रीवा के सेवरिया थाना की साहिबपुर पुलिस चौकी के पास हिनौता रोड पर बीती रात बीजेपी नेता ज्ञान सिंह गहरवार की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से ज्ञान सिंह पर हमला किया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञान सिंह की लाश बीच सड़क पर पड़ी हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं इलाके के भाजपा कार्यकर्ताओं में इस हत्याकांड के बाद जमकर नाराजगी है। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है, तो सूत्रों के मुताबिक जो नाम निकल कर सामने आए हैं उनको लेकर अब कांग्रेस के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अब की बार पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने यह आवाज बुलंद की है। दमोह संसदीय क्षेत्र से हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया बाबा जी के अलावा प्रताप लोधी को उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें हैं। माना जा रहा है कि इलाके के जातिगत समीकरणों को देखते हुए इन्हीं में से किसी को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। इसके बाद इलाके में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी है। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे हटा के दिग्गज नेता राजा पटेरिया ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की जातिगत राजनीति की निंदा की है। पटेरिया ने अप्रत्यक्ष रूप से सीएम कमलनाथ पर भी हमला बोला है। पटेरिया ने कहा है कि जो लोग धंधा करते हैं उन्हें राजनीति नहीं करना चाहिए और कांग्रेस को ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। दरअसल सीएम कमलनाथ ही रामकृष्ण कुसमरिया को कांग्रेस में लेकर आए थे और उन्हें कमलनाथ की पसंद माना जा रहा है। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे पटेरिया को दिग्गी राजा का समर्थक माना जाता है। उनके कमलनाथ पर सीधे सीधे हमला बोलने से प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई है। और मैं पैसे कमाने वाला काम और राजनीति एक साथ करने वाला जो वर्ग है उसका बहुत बड़ा मुखर विरोधी हूं। धंधा और राजनीति एक साथ करने वाले लोग कभी भी कुशल शासक प्रशासक नहीं हो सकते। ये राजनीति और धंधा एक साथ दुनिया की सबसे गंदी चीज है। खबर आ रही है कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में दमोह से पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी का नाम फाइनल कर दिया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लोकसभा सीट के लिए दमोह के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय टंडन, जीवन पटेल, मानक पटेल, टीडी पटेल, विधायक राहुल सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक करीब आधा दर्जन दावेदारों के बीच जवेरा के पूर्व विधायक प्रताप सिंह का नाम फाइनल किए जाने की चर्चा हो रही है।
हालांकि इससे पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए रामकृष्ण कुसमरिया बाबा जी को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इलाके में लोधी समाज के वोटरों की बहुलता को देखते हुए बीजेपी की ओर से लोधी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल को टक्कर देने के इरादे से प्रताप सिंह लोधी का नाम फाइनल किया गया है। प्रताप लोधी जबेरा से विधायक रह चुके हैं, हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली गए नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक प्रताप लोधी का नाम जल्द घोषित किया जा सकता है। प्रताप लोधी फिलहाल टिकट की आस में भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल मंगलवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और लोकसभा प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव का नामांकन भी दर्ज कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मंगलवार को बिलासपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो करते हुए लोकसभा प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव का नामांकन दाखिल कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अटल ने सीएम की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के मुखिया ने कहा कि अभी आपने अपना प्रदेश बदला है और इस लोकसभा में देश को भी बदलना है। भूपेश बघेल ने इस दौरान रमन सिंह पर भी जमकर कटाक्ष किया और कहा कि यदि वे चौकीदार हैं तो अपने दामाद को पकड़ कर क्यों नहीं लाते, कहने भर से कोई चौकीदार नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता सरकारी कर्मचारी हैं और उन्होंने हेरा फेरी की है, इसलिए उन पर कार्रवाई करना कोई बदलापुर की राजनीति नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के घोषणा पत्र की भी जमकर तारीफ करते हुए इसे देश हित में बताया और कहा कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। साथ ही भूपेश ने छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया कि भाई चौकीदार हैं और आपके दामाद आज भाग फरार हैं, तो चौकीदार का तो पकड़ के लाए, फिर उसकी चौकीदारी समझ आएगी कि चौकीदार है भी कि नहीं, केवल कहने भर से थोड़ी चौकीदार हो जाता है। इंदौर में कांग्रेस नेताओं की ट्रैफिक सूबेदार के साथ झड़प का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इंदौर में मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर जब ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक पर कार्रवाई की तो उसने कांग्रेस नेताओं को बुला लिया और कांग्रेस नेताओं ने इलाके के पूर्व विधायक अश्विन जोशी से ट्रैफिक सूबेदार की बात करवानी चाही, लेकिन सूबेदार ने कहा कि वह किसी नेता के कहने पर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सूबेदार ने यहां तक कहा कि अगर गृह मंत्री बाला बच्चन भी फोन करेंगे तो भी वह नहीं छोड़ेगा। सूबेदार के मुताबिक कांग्रेस नेता कह रहे थे कि अब कांग्रेस का राज है इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ट्रैफिक सूबेदार छोड़ने के बदले में रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन सूबेदार का कहना है कि उन्होंने सही कार्रवाई की है और कोई रिश्वत नहीं मांगी। जानकारी के मुताबिक शिकायत के बाद एसएसपी ने सूबेदार को लाइन अटैच कर दिया है। मैं सूबेदार अरुण सिंह थाना यातायात पश्चिम मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अगर चालानी कार्रवाई में कोई गलत पकड़ा गया तो बिल्कुल चालान करूंगा, चाहे आप बाला बच्चन का धमकी दे, चाहे किसी की धमकी दे, किसी की धमकी नहीं दी, किसी की आपको बता रहे कि हमारा राज है और हमारी चलेगी, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। सलमान खान की आगामी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग इन दिनों महेश्वर में चल रही है, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग के लिए राजबाड़ा के दरवाजे बंद करवा दिए गए थे, पर पर्यटकों की नाराजगी और एसडीएम के कहने पर दरवाजों को फिर से खोला गया। पर्यटन नगरी महेश्वर में इन दिनों सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग चल रही है, जिसमें बुधवार को सलमान खान फुट दबंग दबंग के गाने पर डांस करते दिखे। वहीं उनके डुप्लीकेट आर्टिस्ट से भी कई बार सलमान की जगह शूट कराया गया। सलमान ने फ्री टाइम में नर्मदा में मछलियों को दाना भी डाला, जबकि महेश्वर के नागरिक फिल्म की शूटिंग को लेकर उत्साहित दिखे, लेकिन फिल्म निर्माण कंपनी वालों ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए राजबाड़ा को बेवजह बंद करा दिया, जिससे लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। बताया जा रहा है कि खासगी ट्रस्ट ने फिल्म की शूटिंग के दौरान राजबाड़ा के गेट बंद कर दिए थे, जिससे पर्यटकों को परेशानी हो रही थी और इसकी सूचना हेड ऑफिस इंदौर को मेल कर दी गई, जिसके बाद एसडीएम ने मामले में दखल देते हुए गेट खुलवाया। Once again.
मंगलवार की रात नरसिंहपुर पुलिस ने एक टैंकर से 22 लाख रुपए बरामद किए हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नरसिंहपुर में पुलिस विभाग को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने मंगलवार को रात के समय एक टैंकर से 22 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस को कई मुखबिरों से सूचना मिली थी कि एक टैंकर से 22 लाख रुपए लाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरसिंहपुर के खैरी नाका पेट्रोल पंप के पास से ये पैसे बरामद किए हैं। SDM नरसिंहपुर और TI कोतवाली नरसिंहपुर की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चालक जुल्फिकर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ कर रही है, जबकि आयकर विभाग और पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक टैंकर MP15HA 0644 इस ट्रक में हवाला का पैसा जा रहा है। सूचना अलग अलग सोर्स से दो टीमों को मिली, क्राइम स्क्वाड को मिली, पुलिस थाने को भी सूचना मिली और दोनों वहाँ एक साथ पहुँचे तो खैरी नाका के पास पेट्रोल पंप पर SDM साहब के नेतृत्व में वहाँ पर हमने पैसे उस टैंकर से जब्त किए हैं। बारा सिवनी में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ अज्ञात चोरों ने एक निजी कंप्यूटर सेंटर का ताला तोड़कर दुकान से 33,000 रुपए पार कर दिए। वारा सिवनी में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने एक निजी कंप्यूटर सेंटर पर धावा बोलते हुए लगभग 33,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। साथ ही कुछ कीमती दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार चोर राधाकृष्णन कोचिंग क्लासेस में दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। इंस्टीट्यूट के संचालक विनय गोयल ने बताया कि 1 अप्रैल को शाम लगभग 6 बजे वे इंस्टीट्यूट में ताला लगाकर वापस अपने घर बालाघाट चले गए थे, पर मंगलवार 2 अप्रैल की सुबह लगभग 8 बजे इंस्टीट्यूट के कर्मचारी ने बताया कि इंस्टीट्यूट का ताला टूटा हुआ है और अंदर का सामान बिखरा हुआ पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि चोरों ने पहले ही CCTV के तार काट दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 33,900 कुछ जो है रुपये रखे हुए थे, 33,000 वो चोरी चले गए। और कोई दस्तावेज? दस्तावेजों के विषय में इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो है दूर से देखने पर समझ में आ रहा है कि कुछ दस्तावेजों को जला दिया गया। सर, CCTV कैमरा लगा हुआ है वहाँ, तो CCTV कैमरे में आरोपी की फुटेज कुछ नहीं? वो तो DVR को वो लोग काट के ही लेके चले गए। प्रदेश के बड़वानी में डिजिटल बैंकिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहां आरोपी युवक विधवा महिलाओं को पेंशन दिलाने के नाम पर उनका फिंगरप्रिंट ले लेता था और ठगी की वारदात को अंजाम देता था। सरकार ने डिजिटल बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन लेन देन के माध्यम तो बना दिए, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इन चीजों को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसका परिणाम आमजन को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामले में बड़वानी के 3 युवकों पर ठगी के इल्जाम लगे हैं। ये आरोपी गांव के भोले वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इनका शिकार ज्यादातर महिलाएं ही बनती थी, जिनको विधवा पेंशन योजना में राशि के 1,000 रुपए दिलवाने की बात कहकर आरोपी महिलाओं के थंब इम्प्रेशन ले लेता था और बाद में उसी नकली फिंगरप्रिंट की मदद से आरोपी महिलाओं के खाते से पैसे निकाल लेता था। आरोपी ने बताया कि ठगी का यह तरीका उसने यूट्यूब से सीखा था। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने में लगातार खाते से पैसे गायब होने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आरोपी युवक की गतिविधियों पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी लगभग 70 से 80 लोगों के साथ ठगी कर चुका है और 10 लाख रुपए लूट चुका है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, 3,90,000 रुपए नगद, ATM कार्ड, सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन बनाने के संसाधन और लगभग 47 लोगों के डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट जब्त किए हैं। घटना में पुलिस को 3 लोगों के लिप्त होने की बात कही है, जिसमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे ये सोमू के पैसे खाते में आए थे, 44,000 तो 40,000 निकल गया। कौन निकाल लिया? अब क्या मालूम सर, हम का भी कैसे कैसे निकाले? अभी हमको बैंक में आए थे, मंगलवार से निकले गए। कोई आया था घर पे, कोई इंसान वगैरह लिया था अंगूठी? हाँ, लिया था। हमारे पास एक शिकायत आई थी और उस शिकायत के चलते एक सुनीता बाई नाम की एक महिला ने शिकायत की थी कि उनके बैंक
के खाते से 87,000 रुपीस विड्रॉल हुई है। और जब हमने उसको जांच में लिया तो हमारी साइबर की टीम ने इस पे जांच किया, में ये पता चला कि इसमें जो मेन इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है कि ये गांव-गांव में जाके लोगों से फेक लोगों का थंब इम्प्रेशन लेके और उसकी डुप्लीकेट निकाल के और उसके बायोमेट्रिक के माध्यम से उसकी आधार नंबर और उसके डिटेल्स निकाल के बैंक ट्रांसफ़र करवाता था। अभी हमने इसको पीआर में लिया है, 4 तारीख तक हमारे पास है और उससे और पूछताछ की जाएगी उनसे, अगर इनमें कोई और लोग शामिल है तो उसके बारे में भी बात किया जाएगा। जो भी लोग शामिल है उसकी जड़ तक जाएंगे, जितने लोग इन्वॉल्व थे उनको शामिल कर। विदिशा कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने फेसबुक पर लाइव होकर मतदाताओं की निर्वाचन संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया, वहीं मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील भी की। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव से ज्यादा हो सके, इसलिए विदिशा जिले में भी व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से मतदाताओं तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लाइव प्रसारण की पहली कड़ी में विदिशा जिले में लोकसभा निर्वाचन को लेकर की जा रही तैयारियों की सामान्य जानकारी दी। इसके बाद फेसबुक लाइव में मतदाताओं के सवालों का जवाब दिया। जिला पंचायत सीईओ के चैम्बर में हुए इस लाइव प्रसारण के मौके पर स्वीप के जिला नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ मयंक अग्रवाल के अलावा लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने वाले अमित अग्रवाल, निजामुद्दीन शेख, अजीत त्रिवेदी, डॉक्टर पीके मिश्रा, श्रीमती दीप्ति शुक्ला मौजूद रहे। शिवपुरी में पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। शिवपुरी के कोलारस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हथियारों की खेप के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3रे आरोपी की तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों के नाम सगुर सिंह और मनप्रीत सरदार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनप्रीत सरदार हथियार बनाने का सामान यूपी के आगरा से लाया था। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर पारागढ़ के जंगल से हथियार बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। हथियारों की खेप में पुलिस को बंदूक पिस्टल के साथ साथ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और फायर बिल को एडजस्ट करना तो बड़ा काम, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाए। आज के खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।